हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी नंबर को हम प्राइम पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं। आज मैं बहुत एक सिंपल सा प्रोग्राम लेके आया हूं। आज हमें एक नंबर की डिजिट्स को काउंट करना है कि एक नंबर में कितनी डिजिट्स हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए जो एग्जाम्स वगैरह में आता है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, कैलकुलेट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन दैट नंबर। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि हमें करना क्या है। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया है 1, 2, 3। हमें काउंट करना है कि इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं। तो इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, तो यानी हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब इसकी वर्किंग हम जावा में कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने हमेशा आपको बताया है जावा की शुरुआत में जब हम कोई प्रोग्राम जावा से करते हैं तो हमेशा हम क्लास से शुरुआत करते हैं। उसके बाद उस क्लास को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जो उसके क्वेश्चन को, उसके प्रोग्राम को डिफाइन करे। तो मैं यहां काउंट का क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैंने क्लास का नाम लिया है काउंट। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेस लगा देंगे। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद हम वॉइड मेन का फंक्शन लगाते हैं। वॉइड मेन का फंक्शन क्या करता है, हमारे पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, यानी यूजर से हमें एक नंबर इनपुट लेना है। तो मैंने एक n वेरिएबल ले लिया इंटीजर डेटा टाइप का, ताकि यूजर इस n में अपनी वैल्यू इनपुट कर सके। ठीक है, उसके बाद हम एक कर्ली ब्रेस लगा देते हैं। यहां तक हमारा स्टेप 1 दैट इज द सिंटेक्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमें वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो हमारी प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करें। मैंने यहां दो वेरिएबल्स लिए हैं r, c = 0। r मैंने लिया है एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। c मैंने लिया है एज अ काउंटर, काउंट करने के लिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी, मैंने ये व्हाइल लूप चलाया है, इसमें हम डिजिट्स काउंट करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया है 123। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 123। काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 होती है तो मैंने 0 ले ली। ठीक है, अब इसके बाद चेक करेंगे क्या n इज नॉट इक्वल टू 0, 123 इज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, हमारी कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएंगे। r इज इक्वल्स टू 123 मॉडुलस 10। मॉडुलस के केस में मैंने आपको बताया है जो आपका रिमाइंडर आता है हम उसे ऐसा आउटपुट लेते हैं। तो जब आप 123 को मॉडुलस करोगे 10 से, यानी डिवाइड करोगे, तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। तो r में क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, प्लस प्लस c। तो अब c की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे। c की वैल्यू 0 थी तो प्लस प्लस होके c की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। अब जैसे जैसे नंबर डिजिट्स एक्सट्रैक्ट हो रही है नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो 123 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आउटपुट यानी आपका क्वेश्चन है वो 12 आएगा। तो आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहां से आप वापस ऊपर जाएंगे और यहां पे फिर से कंडीशन चेक करेंगे क्या 12 आपकी n की वैल्यू क्या है, 12। क्या 12 इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फाइल लूप के अंदर आएंगे, r इज इक्वल टू 12 मॉडुलस 10। जब आप 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा। तो आपकी r की वैल्यू 3 कट के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप नेक्स्ट स्टेप पाएंगे प्लस प्लस c, c की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीज हो जाएगी तो 1 कट के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। जब आप 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन 1 आएगा। तो आपके n की वैल्यू 12 कट के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां से आप वापस ऊपर जाएंगे, फिर से चेक करेंगे क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहां पे हमारी कंडीशन ट्रू है, वापस अंदर आएंगे, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। अब यहां पे 1 मॉडुलस 10 है। मैंने आपको बताया है जब कोई चीज डिवाइड नहीं हो सकती तो जो डिजिट बचती है वो ही हमारी एज अ रिमाइंडर हम ले लेते हैं। तो 1 बचा है तो 1 को हम एज अ रिमाइंडर ले लेंगे। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 कट के 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में प्लस प्लस c, फिर से c की वैल्यू आप 1 से इंक्रीज करेंगे तो ये 2 कट के c की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। नीचे आएंगे n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। जब आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, 1 जब 10 से डिवाइड नहीं होगा
तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो गया जीरो, तो आपकी एन की वैल्यू वन कट के जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहां से आप वापस ऊपर गए, आपने फिर से कंडीशन चेक की, क्या जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो है? नहीं, यहां हो गई आपकी कंडीशन फॉल्स, आप बाहर आ गए। अब आपने कैलकुलेट कर लिया कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी थी, अब उसने कहा था जितनी भी डिजिट्स कैलकुलेट की है उसे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट हम किसके अंदर कराते हैं? एसओपीएलएन के अंदर। ठीक है, आप एसओपीएलएन यूज नहीं कर सकते, मैं आपको समझा रहा हूं तो यूज कर रहा हूं, आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना मैसेज लिखेंगे, जो मैसेज आपको देना है, जैसे मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट्स, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आप अपना वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें आपने अपनी डिजिट्स काउंट कराई है, जैसे कि मैंने सी में कराई है, मेरी सी की वैल्यू 3 आई है, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिजिट्स इज 3। अगर मैं सी को अंदर लिख देता तो क्या होता, नंबर ऑफ डिजिट्स इज सी प्रिंट हो जाता। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखते हैं वो एज इट इज मैसेज की तरह प्रिंट होता है, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो लिखते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो 123 हमने नंबर एंटर किया था जिसका आउटपुट कितना आ गया 3। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी किसी भी नंबर की डिजिट्स को हम कैसे काउंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी कैसा भी डाउट है तो मेरी मेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप मुझे किसी भी तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।